अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। तो बच्चों, हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था एंड इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर आई टोल्ड यू दैट देयर आर सिक्स स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। पहला स्टेप था हाउ टू फार्मुलेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। दूसरा स्टेप था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इन दोनों स्टेप्स को हम कवर कर चुके हैं और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर हम बकाया चार स्टेप्स को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, उसके साथ एंड पे एक दो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो पूरा टॉपिक है अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो प्यारे बच्चों, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो है जी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज, ठीक है। तो ये स्टेप क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको इसका जनरल ओवरव्यू देता हूँ। एक्चुअली आप जानते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमें एक हाइपोथेसिस मिलेगा और हमने उसको स्टैटिस्टिक्स के लॉज या फार्मूलाज या जो भी हैं तरीकाकार इख्तियार करके हमने उस पर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, उसको टेस्ट करना होता है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली वो तमाम फार्मूलाज हैं या स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल होने वाले वो टेस्ट हैं जिनकी बुनियाद पर हम हाइपोथेसिस को इन्वेस्टिगेट करेंगे या फिर टेस्ट करेंगे। दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से मुराद वो तमाम फार्मूलाज या टेस्ट हैं जिनको इस्तेमाल करने के बाद हम ये फैसला करने के काबिल हो जाएंगे कि हमने उस नल हाइपोथेसिस को या हाइपोथेसिस ऑफ आवर इंटरेस्ट जो भी है उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो वो तमाम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो इस फैसला करने के लिए जरूरी हों इस्तेमाल किए जाएं कि हमने उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो प्यारे बच्चों, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी, अ स्टैटिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच decision about the acceptance and rejection of hypothesis of interest is made, okay? तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से मुराद वो स्टैटिस्टिक्स के फार्मूलाज हैं या वो टेस्ट हैं जिनका इस्तेमाल करके हम ये फैसला करते हैं कि हमने अपने हाइपोथेसिस ऑफ इंटरेस्ट को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। छोटी सी एग्जांपल में प्यारे बच्चों आपको देता हूँ, मेरे पास एक ट्रू एच नॉट है और एक फॉल्स एच नॉट है, ठीक है। यानी एक हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस जिसे इन्वेस्टिगेट करने के बाद ट्रू साबित हो गया है और एक नल हाइपोथेसिस है जो इन्वेस्टिगेट करने के बाद गलत साबित हुआ है। तो इसमें हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो अगर हम एक ट्रू एच नॉट को एक्सेप्ट कर लें तो फिर तो ये एक करेक्ट फैसला है, हमारा ठीक फैसला है। लेकिन अगर हम एक ट्रू एच नॉट को रिजेक्ट कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, फर्स्ट टाइप एरर। क्या बन जाता है, फर्स्ट टाइप एरर, या फिर आप इसको क्या बोलते हो, अल्फा एरर, सही है। सेम इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर आपके पास एक फॉल्स एच नॉट है, एक फॉल्स नल हाइपोथेसिस है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो फिर आप कौन सा एरर करोगे, सेकंड टाइप एरर, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि एक ठीक चीज को गलत साबित कर देना क्या कहलाता है, फर्स्ट टाइप एरर, और एक गलत चीज को एक्सेप्ट कर लेना वो क्या कहलाता है, सेकंड टाइप एरर, ये इसको हम क्या बोलते थे, बीटा एरर, ठीक है। और अगर आप एक फॉल्स एच नॉट को रिजेक्ट करते हो तब आपने फैसला क्या किया है, ठीक किया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास यही चार कंडीशंस आती हैं, ठीक है। एक तो ट्रू एच नॉट को आपने एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, अगर रिजेक्ट करेंगे तो फर्स्ट टाइप एरर, अगर एक फॉल्स एच नॉट को आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो सेकंड टाइप एरर कर रहे हो, अगर रिजेक्ट करते हो तो आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। अब सवाल ये पैदा होता है,
कि कौन सी चीजें इस्तेमाल करके या कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करके आप ये फैसला करते हैं कि आपने एक ट्रू एच नॉट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, आपने एक फॉल्स एच नॉट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो प्यारे बच्चों, उसके लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। और हमारे पास तीन मेन टाइप के टेस्ट हैं, जो कौन कौन से हैं जी। पहला टेस्ट है हमारे पास जी टेस्ट, ठीक है। दूसरा टेस्ट हमारे पास है जी टी टेस्ट, और तीसरा टेस्ट हमारे पास होता है काई स्केयर टेस्ट, ठीक है, बोलते हैं काई स्केयर टेस्ट, ठीक है। तो ये तीन टेस्ट हैं प्यारे बच्चों जो मेन हम इनके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, इसमें हम इन दो टेस्ट जी टेस्ट और टी टेस्ट का इस्तेमाल देखेंगे कि किस तरीके से हम इन टेस्ट को इस्तेमाल करके एक हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने और रिजेक्ट करने का फैसला कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ना, ये एक्चुअली दो टाइप्स की होती है। पहली टाइप ये होती है कि हमें जो हाइपोथेसिस मिला हुआ है वो सिर्फ एक सिंगल पॉपुलेशन के मुतालिक है, और दूसरी टाइप में ये होता है कि हमें जो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट में मिला है वो दो डिफरेंट पॉपुलेशन के मीन के डिफरेंस के अबाउट होता है या उसके मुतालिक होता है। तो मैं लिख देता हूँ, हमारे पास टाइप वन क्या है, हाइपोथेसिस या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द मीन, अबाउट द पॉपुलेशन मीन, ठीक है। एक तो इसकी ये टाइप होती है कि एक सिंगल पॉपुलेशन का मीन जो हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट में, हमने उसके मुतालिक हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। दूसरी टाइप प्यारे बच्चों हमारे पास जो होती है, ये होती है जी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, ठीक है। और उसमें क्या होगा जी, म्यू वन माइनस म्यू टू बराबर है डेल्टा, ठीक है। तो पहले बच्चों, इस बात को थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। जैसे मैं आपको स्टार्ट से एक सिंपल सी एग्जांपल लेके आ रहा हूँ कि पंजाब की जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो सिर्फ एक ही पॉपुलेशन है, आपने उसका मीन निकालना है, या उसमें आपने जो भी मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी कि 30% पीपल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब आर ओल्ड, तो ये एक स्टेटमेंट है, ये एक हाइपोथेसिस है। तो ये हाइपोथेसिस सिर्फ एक पॉपुलेशन के मीन से रिलेटेड है और वो है ह्यूमन पॉपुलेशन। इसी तरीके से दूसरी टाइप जो होती है ना, वो ये होती है कि आपको दो डिफरेंट पॉपुलेशन के मीन का डिफरेंस दिया जाता है। मतलब आप ऐसे ही समझ लें कि पंजाब में ह्यूमन पॉपुलेशन और फिर आप रैबिट पॉपुलेशन, इन दो के दरमियान मीन का जो डिफरेंस आपको दिया जाएगा, आपने उस स्टेटमेंट को उस तरीके से चलना है, उसको टेस्ट करने के जो तरीकाकार है वो भी सारे क्या है, डिफरेंट है। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है पहले लेक्चर से अब तक, वो सारा किसके रिलेटेड था, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन, यानी एक सिंगल पॉपुलेशन के मीन के रिलेटेड हमें हाइपोथेसिस मिलेंगे। उसके लिए हमने सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसीजर इस्तेमाल करना है, ये अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया वो सिर्फ इसके रिलेटेड था। ये पहले हम इसको मुकम्मल करेंगे, उसके बाद जब हम इसकी बारी आएगी तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक का जो प्रोसीजर था ये बात आपने ज़हन में रखनी है, वो किसके रिलेटेड था, इसके रिलेटेड। तो बच्चों, जब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट अ पॉपुलेशन मीन, यानी एक सिंगल पॉपुलेशन के मीन के मुतालिक हमें कोई हाइपोथेसिस मिला है, जब हमने उसको टेस्ट करना है, तो उसके लिए हमने कौन से टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करने हैं और किस किस बेस पे करने हैं। तो पहले बच्चों, उसमें तीन कैटेगरीज आती हैं, ये आपने याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि आपको सिग्मा दिया गया हो, सिग्मा इज नाउन, ठीक है, तो पहली कंडीशन बच्चों उसमें ये आती है कि आपको सिग्मा दिया गया है। तो सिग्मा क्या होता है, एक्चुअली इट इज अ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और आपको पता है सिग्मा स्क्वायर होता है पॉपुलेशन वेरियंस, पॉपुलेशन वेरियंस, और
वेरियंस का अंडर रूट किसके इक्वल होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन के, जिसे हम किससे रिलेट डिनोट करेंगे? सिग्मा से। अच्छा, अब अगर आपको सिग्मा दिया गया है तो आपने कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करना है? तो बच्चों आपने वहां पे इस्तेमाल करना है सी टेस्ट, और इसका फार्मूला क्या होगा? एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा बाय एन अंडर रूट। ठीक है, तो अगर आपको स्टेटमेंट के अंदर सिग्मा दिया गया है तो आपने जी कैलकुलेटेड का ये फार्मूला या ये टेस्ट इस्तेमाल करना है। अब इसमें सिग्मा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके साथ जो एक्स बार है ये हमारे पास है बच्चों सैंपल मीन, सैंपल मीन। ठीक है, उसके बाद एन क्या होता है? दी साइज ऑफ सैंपल, और सिग्मा आप जानते हैं क्या है, म्यू नॉट हमारे पास क्या है जी? पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने वहां पर इस्तेमाल करना है जहां पर आपको सिग्मा की वैल्यू दी गई हो। अब अगर आपको सिग्मा जो है नहीं दिया गया, सिग्मा इज अननोन, उसके साथ साथ n की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 30 हो, तो तब आपने क्या करना है? कंडीशन समझ लेनी है, अगर सिग्मा ना दिया गया हो और n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 हो, तो प्यारे बच्चों तब आपने जो g टेस्ट का फार्मूला लगाना है वो ये होगा, x बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा को आपने कैपिटल s से रिप्लेस कर देना है। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कैपिटल s क्या है? कैपिटल एस प्यारे बच्चों यहां पर है जी सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या है जी? सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको सवाल में देखें या तो सिग्मा दिया हुआ है फिर तो आपने ये लगाना है, सिग्मा नहीं दिया हुआ फिर आपने क्या इस्तेमाल करना है? सिग्मा की जगह क्या रिप्लेस कर देना है? एस। क्योंकि अगर सवाल में पॉपुलेशन वेरियंस या फिर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया गया होगा तो वहां पर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन लाजमी दिया गया होगा, तब आपने ये वाला फार्मूला लगाकर अपने सवाल को हल करना है। ठीक है, और उसके बाद तीसरी कंडीशन बच्चों आती है कि सिग्मा इज अननोन, सिग्मा इज अननोन। ठीक है, एंड एन इज स्मॉलर देन 30, के जो हमारे पास सैंपल का साइज है वो अगर 30 से कम है और सिग्मा भी अननोन है, सिग्मा भी हमारे पास क्या है? अननोन। तो हमने कौन सा टेस्ट लगाना है? तब बच्चों हमने लगाना है टी टेस्ट। क्या लगाना है? टी कैलकुलेटेड। फार्मूला क्या होगा? एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर स्मॉल एस बाय एन अंडर रूट। ठीक है, अब इसमें इसके साथ साथ एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये टेस्ट आपने प्यारे बच्चों वहां पे इस्तेमाल करना है। उसके साथ साथ जो स्मॉल एस है इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला प्यारे बच्चों वो ये है जी सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस वन अंडर रूट। ये फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। उसके साथ साथ स्मॉल एस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप सिग्मा एक्स माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस वन अंडर रूट, तो ये फार्मूला भी आप लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन डिस्क्राइब इन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को देखते हुए आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। आपने एस की वैल्यू निकाल ली है, बकाया चीजें आपको दी होंगी। तो मेन बात जो जहन में रखने वाली है वो ये है कि सिग्मा नाउन है क्वेश्चन में तो आप ये इस्तेमाल करेंगे, सिग्मा अननोन है फिर आपने किसको देखना है? साइज ऑफ द सैंपल को। अगर वो 30 के बराबर या उससे बड़ा है तब आप ये इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो 30 से छोटा है तब आप टी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है प्यारे बच्चों? डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली है कि सैंपल में से आप, यानी जो आपको टोटल पॉपुलेशन मिली है उसमें से आपने सैंपल कलेक्ट किया है, सैंपल में जितने भी नंबर ऑफ फ्रीली कलेक्टेड ऑब्जर्वेशन है, क्या नंबर ऑफ फ्रीली कलेक्टेड ऑब्जर्वेशन, सैंपल में से आप जितने भी आसानी से आजादाना तौर पे ऑब्जर्वेशन जितनी भी उठा सकते हैं उसे आप क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ फ्रीली कलेक्टेड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसे आप क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम।
अब प्यारे बच्चों ये था हमारा स्टेप नंबर थ्री। ये क्या था हमारा स्टेप नंबर थ्री। उसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर फोर। अब देखिए बच्चों आपको जो स्टेटमेंट मिली होगी सबसे पहले उसमें से आपने डिसाइड करना है कि आपने टेस्ट कौन सा यूज करना है। टेस्ट डिसाइड करने के बाद आपने इन तमाम चीजों की वैल्यूज को पुट करना है। पुट करने के बाद आपने उसकी क्या करनी है कैलकुलेशन, क्या करनी है कैलकुलेशन। ठीक है ये हमारे पास जो है स्टेप नंबर क्या कहते हैं फोर है। ठीक है आपने जी टेस्ट या टी टेस्ट जो भी इस्तेमाल किया है उसमें वैल्यूज को पुट करके आपने क्या निकालनी करनी है कैलकुलेशन, और आपने जी कैलकुलेटेड या फिर टी कैलकुलेटेड की वैल्यू को निकालना है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेटेड या फिर टी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ठीक है तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके आपने यहाँ से जी कैलकुलेटेड या टी कैलकुलेटेड की वैल्यू को निकाल लेना है। अब आखिर दो स्टेप रह जाते हैं। पांचवें स्टेप में एक्चुअली अभी सवाल ये पैदा होता है कि इस वैल्यू का इस्तेमाल क्या है। तो बच्चों पांचवें स्टेप में क्रिटिकल रीजन में हम जो वैल्यू निकालते हैं वो होती है टेबुलेटेड वैल्यू, यानी टेबल से वो वैल्यू निकालते हैं। उस वैल्यू का और इस कैलकुलेटेड वैल्यू का हम मुबादला करते हैं। तो इन दोनों में से जो भी बड़ी होगी या जो छोटी होगी उस मुवाजने को मद्देनजर रखते हुए हम अपना फाइनल स्टेप यानी कंक्लूजन नतीजा अखज करते हैं कि हमने उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। नहीं समझ आई मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि हमने इस चौथे स्टेप में वैल्यूज को पुट करके जी कैलकुलेटेड या फिर टी कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालनी है। फिर पांचवें स्टेप में हमने टेबल से एक वैल्यू निकालनी होती है। फिर आखिरी स्टेप में हमने इस वैल्यू और वो जो टेबल से वैल्यू निकालेंगे उनका मुबादला करना होता है, और उस मुबादले के बाद हम नतीजा निकालते हैं कि हमने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है।